الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتضرع اليهود والنصارى حتى تتبع ملته صلى الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد इंसानों की जिंदगी आता है अल्लाह तआला ने बताया कि एक पेश नियमत मेहनत है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में मुख्तलिफ तरह के जश्न मनाए जा रहे हैं, उसका कोई ना कुरान से सबूत मिलता है ना अहादीस से मुबारका से ना इजमा से ना कयास से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए साल का जश्न मनाया, उनके जमाने में इस रस्म को मनाया गया, हालांकि दिगर मुसलमानों ने हुक्मरान में भी कई इस महफिल की इस जश्न की महफिलों में शिरकत की, हालांकि उस वक्त इस्लाम ईरान इराक मिस्र शाम और मशरिक वुस्ता के अहम ममालिक तक पहुंच चुका था। आखिर किसने इजाद किया नए साल का जश्न, कौन सी कौम मनाती है, क्यों मनाती है और उस वक्त मुसलमानों को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। जैसे जैसे दुनिया तरक्की के मनाज तय करती गई और महजब होती गई, इंसानों ने कल्चर और आर्ट के नाम पर नए जश्न और त्योहार वजा किए, उन्हीं में से एक नए साल का जश्न है। इधर असल ईसाइयों का इजाद किया हुआ है कि उनके बाप दादाओं के अजदाद के जमाने से नए साल के अमल पर जश्न मनाया जाता है। इसकी वजह एक ये बताई जाती है कि उनके अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 25 दिसंबर को पैदाइश हुई, इसी के खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, जिसका माहौल दुनिया में बहुत पुरजोश है, जश्न का माहौल मनाया जाता है। और यही जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है उसी के मुताबिक वो पूरे 5 दिनों का इंतजार किया जाता है और नए साल का इंतजार किया जाता है। नए साल के मौके पर क्या होता है, पूरे मुल्क को रंग बिरंगी किया जाता है, लाइटों और कुमकुमों से सजाया जाता है और 31 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार किया जाता है और 31 दिसंबर की रात 12 बजते ही एक दूसरे को मुबारकबादियां दी जाती है और केक काटे जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर की सदाएं हर तरफ गूंजती है। आज मुसलमान भी इससे मुलव्वस है कि हम देखें हर मुसलमान के पास उपाय है कि हम अपने उपायों के स्टेटस पर नहीं रखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, कहां से साबित है ये। उस वक्त क्या होता है, मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे जाते हैं, शराब नोशी आम हो जाती है,
ईसाइयों की तरह आज बहुत से मुसलमान भी नए साल का बेसब्री से इंतजार करते हैं और 31 दिसंबर की रात 12 बजते ही एक दूसरे को मुबारकबाद दिया देते हैं। इन मुसलमानों ने इस्लाम में अपनी कुदरत इस्लाम की रिवायत को कम तर और हकीर समझकर इन ईसाइयों की तरह नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया। जबकि ईसाइयों का तरतीब किया हुआ तारीख निजाम है, हमारा खुद कमरी एतबार से तारीख निजाम मौजूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से मरबूत है। बहुत से मुसलमान ऐसे भी है जिनको मालूम ही नहीं कि हमारा इस्लामी साल कहां से शुरू होता है, जिसका आगाज मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। आज मुसलमान जो नए साल के जश्न पर अमल मना रहे हैं, नया साल क्या होता है, अपनी जिंदगी का एक साल कम कर रहा है, उस पर खुशी मना भी रखिए। ये खुशी का मौका नहीं होता, जिंदगी का जो साल कम हो रहा है उस पर हमें गम मनाना चाहिए कि मेरे जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। अब्दुल्लाह के मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं किसी चीज पर इतना नादिम और शर्मिंदा नहीं हुआ कि जिस दिन मेरा ऐसा दिन गुजरा हो जिसका सूरज गुरूब हो गया और वो दिन मेरा कम हो गया और उस दिन मेरे अमल में इजाफा ना हो सका। इंसान के लिए एक एक दिन कीमती होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है, यानी हम में से नहीं, मुसलमानों में से नहीं। इतनी सख्त रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आज नहीं मनाया जा रहा है, हर तरफ मुसलमान हर त्यौहार में शामिल है, यहां तक कि बतलाया गया कि उनके त्यौहारों पर जिनको मुबारकबाद दिया देना हराम है। अपने ईमान का मसला है, वो क्रिसमस डे जो मनाते हैं कि अल्लाह तबारक हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, जबकि अल्लाह तबारक ताला ने सूरह इख़लास के अंदर पूरी तौहीद को फरमा बयान कर दिया है। आज मुसलमानों को इन तमाम चीजों से बचने की बहुत जरूरत है कि जो जश्न है वो यहूद व नसारा और दूसरे कौमों में मनाए जाते हैं। हकीकत सुन लीजिए इनकी, कि इनके अंदर हर तरह के डे मनाए जाते हैं, बर्थडे, मदर डे, फादर डे और न जाने कैसे कैसे डे है। आज नौजवान तबका बर्थडे के अंदर मुलविस है, ये किसी की बटन डे मालूम पड़ गई ये फौरन स्टेटस रख लेते हैं कि हैप्पी बर्थडे। क्या है ये, क्यों दूसरे कौमों की मुशाबहत इख्तियार करते हो, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर रिश्ता सब दिखलावा होता है कि माँ बाप को अलग रखा जाता है, औलाद बालिग होते ही उन्हें अलग कर दिया जाता है, इससे उन्होंने हर एक दिन को मुतायन किया है कि उससे उनके रिश्ता का दिखलावा हो सके। उनके अंदर खानदानी निजाम कोई नहीं है, मगर हमारे अंदर ऐसा नहीं है। इस्लाम ने सबके हुकूक मुकर्रर कर दिए है और एक पूरा खानदानी निजाम है, इसलिए हम तमाम को इन चीजों से बचने की बहुत जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो इन तमाम खुराफात से बचे। मिन हुस्निल इस्लाम वर्इन तर्कुहुल माला यानी, आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि हमसे क्या हो रहा है, हम किस कौम की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। यह हमारे ईमान का मसला है, अगर ईमान ही बाकी नहीं रहा तो हमारी जिंदगी किस काम की। इसलिए इन तमाम चीजों से हम तमाम को बचने की बहुत जरूरत है। ये जो नया साल आता है ये हमें दोनों तरफ पैगाम देता है, दीनी और दुनियावी मामलात में अपनी जिंदगी का मुहासबा करने की तरफ मुतवज्जे करता है कि जो हमारा साल खत्म हो गया,
कि इससे हमने क्या खोया और क्या पाया, हमें इन तमाम चीजों की तरफ मुतवज्जे करता है कि हमें अपने मामलात आमाल हलाल व हराम हुकुमुल्लाह हुकुमुल इबाद के मामले में हमने जिंदगी का मुहासबा करके देखना चाहिए कि हमसे कितनी गलतियां हो रही है, कितनी कोताहियां हो रही है। इंसान अपनी खुद की नजरों से तो बच सकता है, दूसरों की नजरों से अपनी गलतियों कोताही को बचा सकता है, लेकिन खुद की नजरों से नहीं बच सकता। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हासिबू अनफुसकुम क़बल अन तुहासबू, अपना मुहासबा करो क़बल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। हर इंसान को अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए, एक लाही अमल बनाना चाहिए, ये जो जिंदगी है इसमें हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इसी जिंदगी के आकार पर दुनिया का सारा दारो मदार है। वह अल्लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ यरा थुम यजज़ाहु जज़ा अल औफा। अगर हमें जिंदगी अपने अमाल के अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसके मुताबिक नहीं गुजारेंगे तो बहुत सख्त रिवायात और अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद के अंदर बहुत सख्त वही है इंसानों के लिए नाजिल फरमाई। हमें अपनी जिंदगी के अंदर इस हर चीज का मुहासबा करना चाहिए कि हम हमारी जो जिंदगी है उसके हमें क्या कहना कि इंसान नेकियां बहुत कमा लेता है लेकिन किसी का हक मार लेता है तो नेकियां कुछ काम नहीं आती है। कि कयामत के रोज एक शख्स पहाड़ों से भरकर नेकियां लेके जाएगा लेकिन किसी का हक दबाया होगा, किसी की कोई चीज मारी होगी, हर चीज वो तमाम नेकियां उसकी खत्म हो जाएंगी, उसका बदला दिया जाएगा दूसरे इंसान को, फिर भी उसके ऊपर गुनाह बाकी रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला पर उसके लिए सख्त अज़ाब नाज़िल फरमाएगा। आज हमें जिंदगी अल्लाह का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत जानो, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले। आज हम जवानी का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला को जवानी के इबादत बहुत ज्यादा पसंद है। अगर हमने ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में ना गुजारी तो ये जवानी किस काम नहीं आएगी, अल्लाह तबारक व तआला इस जवानी का हिसाब लेंगे कयामत के रोज। अपने माल दादी को फक्र और फाके से पहले गनीमत जानो, अल्लाह ने माल दिया है राह इल्लल्लाह में खर्च करो, उसको दबा के मत रखो। अल्लाह तबारक व तआला जो माल देते हैं इंसान का मुहासबा कर लेते अल्लाह तबारक व तआला कि मैं इसको दूंगा ये क्या अमल करेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर वो अल्लाह के नाम में खर्च नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बदला उससे छीन लेते हैं। अपनी फरादत को अपनी मशगूलियत से पहले अल्लाह तबारक व तआला जो खाली औकात दिए है अगर इंसान मशगूल हो गया तो इबादत करने का वक्त नहीं मिलता। इसलिए अपनी खाली औकात को मशगूलियत से पहले गनीमत जान लो और अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। वह अंतिको मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुम अल-मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिन अस-सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इला जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुन बिमा तअमलून। ये जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है, उसे सही कामों में इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा कीजिए और इन यहूद व नसारा की मुशाबहत इख्तियार करने से बचना चाहिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर सख्त अजाब नाज़िल कर दे। आज बहुत से नौजवान यहूद व नसारा की मुशाबहत इख्तियार किए हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ अमल किए हुए, वो क्या है, वो है बाल। आज का हर नौजवान बच्चा हमने छोटे से लेकर बड़ा तक यह
सबसे बड़ी गलती सबसे पहले उसके वालिदैन की गलती है। अगर हम अपने बच्चों को ढील देंगे तो इसी तरह करेंगे। मोहब्बत मोहब्बत कहते हैं ना, इस तरह मोहब्बत नहीं होती। हर एक काम पर इन्हें रोकना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वालिदैन की कि हम बहनों के तरीकों से अपने बच्चों को बचाएं, वरना ये बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। फिर कहते हैं ये मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं। हमने पहले से ही इस तरह के रखा है। आज क्या हो रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहा रसूलुल्लाह अनिल क़ज़ा। सब अल्फाज़े बुखारी के बजा से मना फरमाया। आज कितना नौजवान तबका इस रिवायत पे अमल कर रहा है। हम अपने अपना मुहासबा कर ले। इसलिए जो जिंदगी है इसको गनीमत जानो और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में इसे मशगूल कर दो। कहीं ऐसा ना हो जाए अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादत से पहले ही मौत दे दे और उसका पछतावा इस काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और